वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसा है आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुआ है रेगुलर से वीकडे का दिन और बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे। मैं अपने रूटीन काम्स कर रही हूँ। मेरा नाम गौरी है और मैं डेली ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे आज सुबह से बहुत ही तेज बारिश हो रही है। इतनी बारिश के पूरे टाइम झमाझम पानी की भी आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है। सुबह तक तो बहुत ज्यादा झमाझम पानी गिर रहा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, धीरे धीरे गिर रहा है, पर हाँ कंटिन्यूएशन में गिरेगा। बच्चों को जब तक स्कूल से लेकर आऊंगी तब तक पानी गिरता ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब सब गए हैं अपने अपने काम पे, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, तो मैं भी अपने कुछ ना कुछ घर के काम करती ही रहती हूँ इसीलिए।
और बाकी हम लोगों का जो वीकेंड था वो बहुत ही ज्यादा बिजी गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलना हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के गेट टूगेदर्स हैं दिवाली से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छे रहे, बहुत सारे नए लोगों से मिले, खूब मस्ती करी, खूब सारा खाना, डांस, तंबोला गेम, बच्चों के गेम्स और बहुत सारे चिट चैट्स, खूब सारी हंसी मजाक, बहुत अच्छा लगा। इधर उधर की बातें करी, सब ने अपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, कौन कहाँ से है, कैसे है, तो इस तरीके से करके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग हॉन्टेड हाउस में गए थे, जैसे कि आप लोगों ने हमारे वीडियोज में देखा। उसके बाद हम लोग अगले दिन फॉल फेस्टिवल के लिए गए थे, उसके बाद भी हम लोग शाम को बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। फिर उसके बाद ऑफकोर्स अब वीकडे लग गया है, तो बस वीकडे में बहुत ज्यादा बिजी रहे। कल हेलोवीन का टाइम था, जैसे तैसे अपने थोड़ी सी थकावट मिटाते हुए बच्चों का शाम का जो हेलोवीन वाला ट्रिक और ट्रीट था वो मैंने बच्चों का करवा दिया था। बच्चों के डैडी की मीटिंग चल रही थी जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो चलिए अभी यहाँ पे वीकडे हुआ, सारी रिपोर्ट दे दी मैंने आप लोगों को ऑफकोर्स, और हमारे ब्लॉग में सब कुछ दिखाई देता है। तो चलिए, और अभी फिलहाल वीकडे का दिन है, मेरे रूटीन चल रहे हैं, सुबह का टाइम है, तो चलिए अभी फिलहाल मेरी जो प्रायोरिटी है वो मैंने कर दी है। मुझे बेडरूम क्लीन करना बहुत पसंद है, पहले वो क्लीन हो जाता है, मन को शांति हो जाती है, तो अभी ये क्लीन हो गया है तो एक तसल्ली है कि चलो एक कोना जो है सबसे ज्यादा मेन वो बेडरूम वो क्लीन हो गया है। मेकअप कर दिया, वैक्यूमिंग कर दी, अच्छे से झटकारा झुटकारी कर दी, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया। बच्चे जब आएंगे तो एकदम क्लीन क्लीन रूम दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब चलती हूँ आगे की साइड लिविंग रूम में, वो वाला रूम भी मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था। अब चलती हूँ आगे लिविंग रूम में, लिविंग रूम में बहुत सारे ब्लैंकेट्स इधर उधर हैं, फिर उसके बाद दूसरे कामों की सूझ समझ पड़ेगी। चलिए घर के काम करते करते ना सच्ची में कभी कभी ऐसा लगता है रोज रोज वही काम कर रहे, पर अगर हमारे घर के काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर ये चीज खान ली जाए तो आसानी से सारे काम हो सकते हैं। ये हमारा ऑल पर्पस वाला वॉटमैन है, इसके अंदर प्रिशा की बहुत सारे टॉयज वगैरह सब रहते हैं, टॉयज, आर्ट सप्लाईज, सब कुछ। चलिए ये यहाँ का क्लीन हो गया है, ऊपर का जटकारा जुटकुरी क्लीन अप ऑर्गेनाइज सब कर दिया है, और यहाँ पे वैक्यूम चलाते हैं। यहाँ का वैक्यूम करने के लिए गई तब देखा तो वैक्यूम डिस्चार्ज हो गया है, तो अभी उसे चार्जिंग पे लगाया, जब वो चार्ज हो जाएगा तब उसे वापस से यहाँ पे वैक्यूम करूंगी। अभी फिलहाल ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। आज ना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है,
तो एक काम करती हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग भी कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना मुझे दो तीन चीजों के बारे में ना पता करना है, मेरी ईमेल्स चेक करनी है और थोड़ी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा और पता ही नहीं पड़ेगा कि टाइम कहाँ निकल गया। मोस्टली काम तो हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि ये खाना बना के रख देती हूँ। रोटियां तो फ्रेश उतार लूंगी, सब्जी चढ़ा देती हूँ। तो रोटियां बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। और कभी मन होता है कि जल्दी उतार के रख दूँ, फिर ऐसा लगता है कि कौन वेट करे, डिपेंड करता है अगर शाम को कहीं बाहर नहीं जाना है तो। चलो पहले ये काम का निपटा हूँ, अभी बर्तन का ही काम बहुत सारा है। बहुत सारे काम हो गए, घर क्लीन हो गया, कुछ अपना काम कर लिया, नाना वगैरह सब हो गया। और शाम को ना पहले सोची थी कि वो बना लूँगी रोटी सब्जी, पर मुझे याद आया कि मैंने ना बहुत सारे एक्स्ट्रा चावल ना पहले से बना के रख दिए थे जो बच गए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं उनको यूज़ करूँगी। आज सोच रही हूँ कि चावल का कुछ अच्छे से डिश बना लेती हूँ, अभी चढ़ा दूंगी या फिर वो हाथ के हाथ भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सोच रही थी कि एक बिग बॉस का एपिसोड नया आ गया है तो उसे बाहर का मौसम मैं बता देती हूँ। बाहर का मौसम ना अभी भी बहुत ज़्यादा रेनी दिखा रहा है, इतना रेनी हो रहा है बाहर मौसम
तो मैंने बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि मैं जब तुम लोगों को पिक करने के लिए आऊंगी तो आज कार राइडर के थ्रू आऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे स्कूल के ना रूल्स हैं, ज्यादा बारिश हो रही होती है ना तो बच्चों को पैदल नहीं भेजते, इसीलिए। क्योंकि अगर बच्चे गीले हो गए तो बीमार पड़ेंगे, बीमार हो गए क्लास अटेंडेंस नहीं लगेगी उनकी और पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे, जो वो चाहते नहीं है। और बीमार पड़ेंगे स्कूल में जाएंगे तो एक से दो, दो से तीन ऐसे बच्चों में स्प्रेड होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी या फीवर वगैरह के चांसेस या बैक्टीरिया, इसीलिए तो वो बच्चों को ना कार राइडर के थ्रू ही भेजते हैं। इसीलिए चलिए बच्चे आ जाएंगे, उनके साथ अलग ही रूटीन रहेगा। मैंने बहुत बार ही आप लोगों के साथ शेयर करा है मेरे इवनिंग रूटीन्स, तो ये मेरा पूरा दिन भर का रूटीन है, डेली ही फॉलो करती हूँ। हो सकता है इसमें काम ऊपर नीचे अलग पीछे हो जाते हैं पर फिर भी सेम टू सेम रहते हैं मोस्टली। घर के काम कभी खत्म नहीं होते, आई टेल यू। और बताए अभी भी मेरे पास बहुत सारा काम बाकी है, वही सोच रही थी। अभी ना बच्चों को लेने जाने के लिए टाइम है तो मैंने सोचा थोड़ा सा बिग बॉस कैचअप कर लेती हूँ, नहीं तो निकल जाएगा और इतनी जल्दी पाइल अप हो जाता ना, क्योंकि ये भी डेली एपिसोड्स हैं, जैसे मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ वैसे ये भी डेली एपिसोड्स हैं, ये निकल जाएंगे तो पता ही नहीं पड़ेगा सीक्वेंस क्या है, इसीलिए। तो बच्चों को लेने जाने का टाइम हो उससे पहले फटाफट से देख लेती हूँ, बाहर ना हल्का ठंडा हो गया इसीलिए, घर भी ठंडा ठंडा हो रहा है। चलिए मैं अपना एपिसोड कैचअप करती हूँ, जब बच्चों को लेने के लिए जाऊंगी तब थोड़ी देर में आप लोगों को कैचअप जरूर करती हूँ। चलिए अभी बच्चों को लेने जाने का टाइम हो रहा है, मेरा बिग बॉस भी मैंने देख लिया फटाफट, यू नो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं ना फटाफट फटाफट, बस वही करा मैंने भी आज। ऐसा जैसा कुछ इंटरेस्टिंग आ नहीं रहा था, थोड़ा बोरिंग ही लग रहा था, मैंने सोचा काहे को बच्चों को लेने जाने के लिए मैं लेट करूं, इससे बेटर है मैंने फटाफट फटाफट वो देख लिया। उसके बाद अभी बच्चों को लाने का टाइम हो गया है तो निकल गई हूँ। मौसम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मौसम ना बहुत ही ज्यादा रेनी हो रखा है, ग्लूमी ग्लूमी सा, इतना डिप्रेसिव फील लग रहा है ना सीरियसली यार। और लोगों के घरों की डेकोरेशन देख रही हूँ यहाँ पे, अभी भी हेलोवीन की डेकोरेशन है लोगों के घर पे बहुत सारी, क्योंकि अभी फॉल सीजन तो चल ही रहा है ना, थैंक्सगिविंग तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद क्रिसमस डेकोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा है। चलिए मैं आ गई हूँ रोड पे एक बार ले लूँ, फिर वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। चलिए मैं भी लाइन में लग गई हूँ, बहुत ही आगे लगी हूँ आज तो, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे गाड़ियां लग गई हैं और बाहर पानी गिर रहा है। चलिए वाइपर्स भी स्टार्ट कर देती हूँ, ये स्टार्ट कर दिए। बहुत ही ज्यादा क्लाउडी हो रखा है बाहर, पता है बहुत ही ज्यादा, इतनी सारी गाड़ियां आती जा रही है। स्कूल बसेस वगैरह। There you go guys, आदि प्रशा यहाँ पे आ गए हैं, राइट आदि? से हाय, प्रशा से हाय। There you go।
दोनों बच्चों को मैंने फ्रंट गेट से पिक करा है और यहाँ पे बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो बस ये है कि अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर के अपने रूटीन्स फॉलो करेंगे। राइट गाइस, देयर यू गो। Shoes stand में both of you. Good job. Come on, Prisha. There you go. ढंग से धोना। Make 1000 bubbles. Make 1000 bubbles, Ali. So many bubbles. Prisha, make 1000 bubbles. चलो चलो चलो, 1000 bubbles. Did you make 1000 bubbles? बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, मैं किस तरीके से करती वो सारा आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। आई होप आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करी होगी। अगर हमारे ही जैसे फैमिली का हिस्सा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। एंड व्हाट वी हैव टू से गाइस, दिस मेक ब्यूटीफुल।